People are extremely excited. At the same time, they're jubilant. They're proud. They just can't wait to see India get onto the world map. Let us try and speak to a few people. Bharat चौथा देश होगा और उन्होंने ये एक चौथे दाम में किया है ये जो मिशन है. तो आपको इस बारे में क्या लगता है? पूरा उत्साह से देख रहे हैं कि भारत चाहते आज करके दिखाइए. भैया हमें बहुत बड़ी खुशी है और सबसे बड़ी बात ये है ये चंद्रयान 2 जो पहुंचा है ये हमारी देश की ही टेक्नोलॉजी है. बाहर का इसमें कुछ नहीं है. जैसे कि बाहर से चंद्रयान 2 के बारे में कुछ लिया जाता ऐसा कुछ नहीं है. ये जो देश हमारे देश के अंदर बना है और इस चीज को देखते हुए हमें गर्व है अपने देश पे हिंदुस्तान पर जो कि हमारा देश इतनी आगे पहुंच गया है और पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर का हमारा देश बन चुका है. आपको क्या लगता है जो देश रशिया जैसे चाइना अमेरिका करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं हमने और ये एक चौथे दाम में ये करके दिखाए तो आपको क्या लगता है ये कितनी बड़ी बात है ये भारत के लिए? ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस तरीके के अगर देश में हमारे काम होते रहे तो हमारा देश जो है वो विश्व गुरु बनने में हमें कोई नहीं रोक सकता. आज ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है. हमने चंद्रयान पे जो जाके अपना छोड़ा है तो इससे हमारे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है. वंदे मातरम, भारत माता की जय. ये भी कहा जा रहा है कि आज भारत इतिहास रचेगा और पूरा विश्व हमें देख रहा है. सब चाह रहे हैं कि भारत करके भी दिखाए लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों को जलन भी होगी क्योंकि हमने बहुत ही कम चीजों के साथ कम लोगों के साथ कम टेक्नोलॉजी के साथ. तो आपको क्या लगता है इसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी और उस पर कैसा असर पड़ेगा? लोग जानने लगेंगे इस चीज ना. हमें अच्छा लगा सबको पता लगा खुशी हो रही है. एक तरह से हमारा देश बहुत आगे पहुंच रहा है ठीक है और काम भी अच्छा हो रहा है. आपको क्या लगता है सर इस अवसर पर इस चीज को लेकर? देखिए इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि हमें इस देश पे गर्व है और पहले इसरो का नाम कोई जानता नहीं था. आज इसरो इस उस पे है. पहले नासा ही लोग जानते थे कि भाई नासा ही करेगा जो कुछ करेगा सिर्फ नासा ही करेगा. लेकिन इसरो ने वो करके दिखाया है कि लोग अब इसकी हिंदुस्तान की ताकत को मानने लगे हैं कि हिंदुस्तान भी कुछ कर सकता है. आपको पता होगा कि अब बाहर के देश भी इसरो से संपर्क कर रहे हैं कि भाई आप हमारे लिए काम कीजिए. हाँ हमारे लिए नहीं तो पहले सिर्फ नासा ही होता था इस टेक्नोलॉजी के बारे में और आगे आगे देखिए कितना तरक्की होगी. लोग बात कहते हैं कि भाई मोदी जी ने क्या किया क्या किया तो इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हर चीज एक तरीके से और टाइमली होती है. थैंक यू सर. सर आप कैसा महसूस? मैं तो ये तो मोदी जी को नहीं जाएगा. ये तो हमारे विज्ञान है वो जो हमारे विज्ञान देश के हमारे जो विज्ञान है जो नहीं ये मोदी जी का इसमें कुछ रोल नहीं है. इसमें मोदी जी का कोई रोल नहीं है. ये हमारे रोल है हमारे जो विज्ञान है उनके वजह से आज हमारा चंद्र वहाँ पे झंडा देश का उड़ाएगा. ये हमारे हमारे देश के जो राष्ट्रपति जी थे उन्होंने उनका कितना बड़ा योगदान है. उन योगदान को हम जब इंदिरा गांधी अब्दुल कलाम जी को जब इंदिरा गांधी कभी लेकिन इस अवसर पर हम राजनीति छोड़ देते हैं और आपको क्या लगा है राजनीति को इसमें हम अंदर नहीं लाते इसको सिर्फ लेकिन आज के अवसर की ही बात करेंगे सर. आपको कैसा लेकिन क्या लग रहा है एक चौथा भाव मतलब जहाँ लोग हजारों 1500-2000 से ज्यादा करोड़ खर्च कर रहे हैं हमने 970 करोड़ में बना दिया तो ये क्या किस महत्व का ये? देखिए वो किस इंडिया में ही एक ये कैपेबिलिटी है कि कम दाम में आपको बेटर से बेटर चीज दी जाए. ये तो कैपेबिलिटी है. आप खर्च करने की अब अगर बात करते हैं तो हिंदुस्तान में जो आप देखेंगे कि सेविंग पॉइंट लेके ज्यादा चलते हैं. एक चीज बढ़िया बने और पैसा भी सेफ हो. तो मोदी जी को मैं इसलिए ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि विज्ञान तो है ही है लेकिन अगर मेरे में अगर टैलेंट है सपोज किसी चीज को बनाने का और मेरे पास पैसा नहीं है और पैसा मेरे को कोई देता है तो मैं उनका भी तो योगदान होगा ना. जी जी बिल्कुल. तो लेकिन इसमें ऐसा भी कहा जा रहा है कि काफी लोग जो है वो होम ग्रोन टैलेंट है माने देश में भारत में ही उगाया गया टैलेंट है. उन्हें कहीं लोगों को कहां कहां से ऑफर आती है लेकिन ये लोग फिर भी भारत के लिए चूज करते हैं कि यहाँ हमारे देश में ही काम करेंगे हम. आपको क्या महसूस हो रहा है सर? मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश की सरकार को यहाँ लाना जरूरी है. हमारे देश की जो सरकार है जो हमारे यहाँ के जो काम करने वाले हैं जो इस तरीके का जैसे इसरो ने जो काम करा है इस तरीके के जो काम करने वाले हैं उन पे थोड़ा ध्यान दें क्योंकि हम हमारे देश में बहुत बहुत टैलेंटेड लोग हैं मगर वो बाहर जाके काम करते हैं. बाहर वाले उन्हें लेते हैं हमारे देश की सरकार उन्हें नहीं ले पाती है. मैं ये चाहता हूँ आज हमारा देश सबसे नंबर एक का देश हो जाएगा जो कि ये पता करने में सक्सेसफुल होने वाला है कि पानी कहाँ है और कितना पानी है वहां पर. पानी की भी खोज जारी है
और ये जारी होगा। और अभी तक और जो तीन देश हैं उन्होंने अभी ये पता नहीं करा है, मगर हमारा देश पहला ऐसा मुल्क बनेगा जो ये पता करेगा चंद्रयान पे कहाँ और कितना पानी है, कितनी मात्रा में पानी है। सर पूरी दुनिया हमें देख रही है, ना कि सिर्फ भारतवासी, लेकिन लोग काफी गर्व महसूस कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आज भारत ने इतिहास रचा है। तो आप में मन में, आपके मन में फिलहाल क्या चल रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया है, महसूस कर रहे हैं, मगर ऐसा होता है कि जो भी पीएम होगा वो पूरे राष्ट्र का, देश का बाप होता है, अगर वो नहीं करेगा तो कौन करेगा। और ये श्रेय एक प्रधानमंत्री को भी दिया जाता है और प्रधानमंत्री को नहीं भी दिया जाता है, वो इसलिए कि ये एक दिन के अंदर किया हुआ प्रोग्राम नहीं है कि भाई एक दिन के अंदर या दो साल के अंदर ये प्रोग्राम सेट कर दिया और ये वो हो गया। इसके ऊपर कई सालों से, 10-15 सालों से इस पे कार्य होता रहता है, जब जा करके ये एक तैयार होता है फिर उसके बाद ये कामयाब होता है। लाइक यू हर्ड अ लॉट ऑफ एक्साइटेड पीपल आउट देयर, दे वांट इंडिया टू डू रियली वेल, दे लुकिंग फॉरवर्ड टू द सॉफ्ट लैंडिंग इन एंटिसिपेशन दैट इज गोइंग टू पुट इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप। दे बिलीव दैट वी हैव टेकन मैसिव स्ट्राइड्स एज फार एज स्पेस रिसर्च एंड स्पेस टेक्नोलॉजी इज कंसर्न्ड, एंड लाइक ट्रू इंडियंस दे आर एब्सोल्युटली प्राउड एंड दे जस्ट कांट वेट फॉर द लॉन्च टू टेक प्लेस टुनाइट। All right, there's also very interestingly, a bit of discussion around who the credit has to be given to. And there are different, opinions emerging at the moment. But I think it's very important at this point to put the Indian Space Research Organization at the very heart of it, because it is the hard work, the research, put in tireless number of hours by our scientists who are, silently working. They've in a certain sense in the background. Many of us don't even know their names, who the father, mother of, the space research programs are, and what really has gone into accomplishing this particular feat. And like we've been telling our viewers, that India does, join the race of the United States, of Russia, of China, in landing on the moon in a few hours from now, but we've done it at 1/10 the cost of what space missions everywhere else in the world cost. So that's of course the exemplary feat. But Dev, how many people are going to be staying awake tonight to witness history being created? You're inaudible, could you kindly repeat yourself? Yes, I said how many people are going to be staying awake tonight to watch history being created? I think let's not try and put a number to that, because yes, it's not going to be possible. The amount of hysteria, the amount of excitement, the amount of enthusiasm that is amongst the people right now, I think they're all going to stay up and they don't mind going to their offices or respective schools and colleges a bit late. Yes. But feats like these are not achieved very often. This happens, it's probably once in a lifetime opportunity that India has gotten to this level. And I don't think most of the Indians and people across the world want to not witness this or miss out on this fantastic launch. And it also wonderfully showcased the leap of mankind that humans have taken here, and the underlying untiring and the effortless work that has gone into creating this masterpiece of a project called Chandrayaan-2, my bad. And yeah, of course, I think there's a lot of excitement and people are just waiting for the hours to close by and then they can see the fantastic, spectacular feat on their screens at night. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.